गुड मॉर्निंग बच्चों। कल क्वेश्चन दिया था एक, कितने पेज फॉल्ट आए दोनों केसेस में बताओ। जब हम 3 फ्रेम ले रहे हैं और 4 फ्रेम ले रहे हैं, उसमें कितने पेज फॉल्ट आए थे? काफी, जो आप 9 कह रहे हो, कितने फ्रेम में आए थे ये? ज्योति शर्मा, आपका आंसर ठीक है। जब 3 फ्रेम ले रहे हैं, अपने पास जो पेज फॉल्ट हुए थे वो थे 9, और जब 4 फ्रेम ले रहे हैं तो पेज फॉल्ट हुए हैं 10। अब लॉजिकली देखा जाए तो जब हम फ्रेम्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो पेज फॉल्ट आपके कम होने चाहिए, है ना? क्योंकि जितने ज्यादा फ्रेम होंगे उतने ज्यादा ही आपका कंफ्लिक्ट होने का चांस कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम पेज आपके फिजिकल एड्रेस स्पेस में हो सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। कल जो हमने एक प्रोग्राम में, सॉरी, ये एग्जांपल किए थे, जब हमने उसमें फ्रेम्स को इंक्रीज किया था, सॉरी, पहले जब 4 फ्रेम लिए थे फिर हमने 3 लिए थे, तो पेज फॉल्ट इंक्रीज हुए थे। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जब हम फ्रेम्स को इंक्रीज कर रहे हैं पेज फॉल्ट इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बेलेडी बेलेडीज एनामली। ये प्रॉब्लम आती है आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर। ये क्या कहती है कि भाई, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स वी शुड गेट लेस नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, बट इंस्टेड दे आर इंक्रीजिंग। जब हम फ्रेम्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो पेज फॉल्ट आपके कम होने, देखो बेलेडी एनोमली क्या कहती है कि भाई, जब हम फ्रेम्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो पेज फॉल्ट कम होने चाहिए, लेकिन इसका रिवर्स हो रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को हम बेलेडी एनोमली कहते हैं, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर मिलती है। ठीक है, फिर सेकंड जो अपना एल्गोरिथम है पेज रिप्लेसमेंट का, वो है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसमें हम क्या करेंगे, हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे, फिजिकल एड्रेस स्पेस में से उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो कि फ्यूचर में सबसे लेट यूज होने वाला है। ठीक है, जिसका यूज सबसे बाद में है उस पेज को हम रिप्लेस करेंगे। तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, जो अपने पास रेफरेंस स्ट्रिंग थी,
ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स में मान लेता हूं अपने पास अगेन 4 है, देखो सबसे पहले जब 7 आया आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस खाली पड़ा था तो पेज फॉल्ट होगा, फिर 0 आया पेज फॉल्ट, 1 आया दोबारा पेज फॉल्ट होगा, फिर 2 आया पेज फॉल्ट होगा है ना, फिर 0 आया, 0 आपका मेमोरी में ऑलरेडी है तो कोई पेज फॉल्ट नहीं होने वाला। अब 3 आया, 3 आया तो हम किसको रिप्लेस करेंगे देख के बताओ मेरे को, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट कहता है कि भाई जिसका यूज सबसे बाद में होने वाला है फ्यूचर में उसको हम रिप्लेस करेंगे। देखो 2107 आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस में इस टाइम है और अब आपके पास 3 आता है, तो अब सबसे पहले 2 को चेक करो, 2 का यूज कहां पर है, 2 का यूज यहां पर हो रहा है फ्यूचर में ठीक है ना, और 1 का यूज कहां हुआ है, 1 का यूज है यहां पर। अब 0 का चेक करो, 0 का है ये और 7 का यहां पर, सबसे बाद में यूज किसका हुआ है 7 का, तो हम रिप्लेस किसको करेंगे 7 को, तो ये हो जाएगा आपका 3012, ये एक पेज फॉल्ट होगा ठीक है। अब मुझे अब ये बताओ जैसे अब आपका आता है 0, 0 आपका मेमोरी में ऑलरेडी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, अब 4 आता है तो 4 आएगा तो हमें किस पेज को मैं रिप्लेस करूं बताओ सोच के। देखो सबसे पहले 2 को चेक करो, 2 का यूज है यहाँ पर, 1 का देखो 1 का है ये, 0 का, 0 का है यहाँ पर, 3 का ये, तो सबसे बाद में यूज किसका हुआ है 1 का, तो हम 1 को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2403, ये पेज फॉल्ट हो जाएगा। अब 2 को देखो, नेक्स्ट देखो 2 आया, तो आपके पास फिजिकल एड्रेस स्पेस में ऑलरेडी है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर 3 आया, 3 भी आपका ऑलरेडी मेन मेमोरी के अंदर है, फिर 0 आया, 0 भी मेमोरी में है, 3 आया, 3 भी आपका मेन मेमोरी के अंदर है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर 2 आता है, 2 भी मेमोरी के अंदर है, फिर आया 1, 1 आया तो मैं किसको रिप्लेस करूंगा क्योंकि ये मेन मेमोरी में नहीं है आपका, आपको किसी ना किसी को तो रिप्लेस करना पड़ेगा। वन आता है तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, देखो सबसे पहले 2 को चेक करो, 2 आपका यहां पर यूज हो रहा है, फिर 4 को देखो, 4 का यूज नहीं है अपने कोई भी फ्यूचर में, कोई यूज नहीं है 4 का ठीक है, फिर 0 को देखो, 0 का यूज यहां पर है, 3 का देखो, 3 का भी कोई यूज नहीं है। अब अपने पास 4 और 3 दो ऐसे नंबर है, दो ऐसे पेज नंबर है जिनका फ्यूचर में कोई यूज नहीं है ना,
अब जिसका यूज है उसको रिप्लेस करने का क्या बेनिफिट है, वो तो फिर हमें दोबारा रिप्लेस करना पड़ जाएगा, फ्यूचर में जब उसका नंबर आएगा तो उसको दोबारा लेके आना पड़ जाएगा फिजिकल एड्रेस स्पेस में। तो जिसका यूज नहीं है फ्यूचर में या सबसे लास्ट में यूज है तो उसको रिप्लेस करना होता है। अब अपने पास दो नंबर है, दो पेज नंबर है, 4 और 3। मैं 4 को भी रिप्लेस कर सकता हूँ और 3 को भी कर सकता हूँ, लेकिन यहां पर जब दो ऑप्शन मिल गए आपको कि मैं इसको भी कर सकता हूँ और इसको भी कर सकता हूँ, तो उस केस में जो पहले आया है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, पहले कौन आया है? 4 आया है आपका इस पॉइंट पर और 3 आया है आपका इस पॉइंट पर। पहले आया 3, तो 3 को रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा आपका 1042। ठीक है, ये पेज फॉल्ट हो गया। फिर आता है 0, 0 आपका मेमोरी में है, 1, 1 भी है। अब 7 आता है, 7 आता तो मैं किसको रिप्लेस करूंगा? देखो इसके बाद 0 और 1 का तो यूज है आपका, अब बचते हैं 4 और 2, किसको रिप्लेस करूं? फोर और टू में देखो पहले कौन आया है, 4 आया है इस पॉइंट पर और 2 आया है आपका इस पॉइंट पर, तो जो पहले आया है उसको रिप्लेस कर दो, 2 को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम काम करता है। टोटल पेज फॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो वो कितने होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 पेज फॉल्ट हो जाएंगे आपके। समझ में आया सबको? अब इसी क्वेश्चन को 3 फ्रेम के साथ करना है, वो आप करोगे और मुझे कल आंसर बताओगे। ठीक है, फ्रेम्स आपने 3 लेने उस केस में, और शायद आज असाइनमेंट की डेट थी, असाइनमेंट सबमिट करना था आज। सभी का तैयार है? चलो उसको तैयार रखना, जिस दिन मैं कहूंगा उस दिन आपने सबमिट करना। अपने पास रखो इतने, सोचता कि वही कॉलेज शायद खुलेंगे या कुछ होगा तो मैं फिजिकली ले लूंगा उसको, और अदरवाइज उसको गूगल ड्राइव वगैरह पे सबमिट करवा लूंगा। ठीक है, बाकी कल करेंगे।